हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिबिल स्कोर अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको सिबिल स्कोर बनाना है तो कौन सा भी एक छोटा लोन ले सकते हो आप। सबसे एक छोटा लोन लेना पड़ेगा, या तो मोबाइल लोन ले लीजिए, या तो टीवी लोन ले लीजिए, या तो फ्रिज, या एनी थिंग, कुछ भी ले सकते हो आप। आपको 15,000 तक का एक लोन लेना है, छोटा लोन। एक्चुअली होता है कि दोस्तों, सबसे पहले जो लोन मिलता है वो टीवी फ्रिज ये सब पे मिलता है, तुरंत मोबाइल पे नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको टीवी फ्रिज ये सब ले ले, क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंस की पॉलिसी होती है कि वो किसी को डायरेक्ट मोबाइल नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते कि दोस्तों, पहले अगर वो लैपटॉप लैपटॉप भी नहीं देते हैं, सिर्फ टीवी और फ्रिज ये सब देते हैं। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम गया था लोन लेने के लिए, तो मुझे भी मोबाइल लोन नहीं मिला। मुझे भी पहले बोला कि आप, अगर आपके पास बजाज का कार्ड है या कैपिटल का कार्ड है तो आप उसके थ्रू ले सकते हो, लेकिन मेरा तो कार्ड बना ही नहीं था। तो हुआ यूँ कि दोस्तों, जब मैंने कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो अप्लाई ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया था, अप्लाई किया था, नाम नंबर मेरा डाला था, लेकिन उससे नहीं होता है दोस्तों। जब तक आप कोई छोटा चीज़, 15 से 15,000 तक की कोई सामान खरीद ना ले, फिर खरीदने के बाद उसका 3 EMI जाना चाहिए करेक्ट बैंक से, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 6 महीने के लिए EMI आपका बनाया होगा कि आपका 6 महीने में पूरा लोन कट हो जाएगा, या 9 महीने के लिए, जब वो पूरे लोन सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अगर 6 हफ्ते हैं या 10 हफ्ते हैं तो वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा। अगर आपने टाइम टू टाइम भरा रहेगा तो आपका 750 के अप हो सकता है, लेकिन अगर आपने बीच में बाउंस करेंगे एक दो, तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। फिर आपको 3 से 6 महीने के लिए ब्लॉक रहना पड़ेगा, कोई कंपनी आपको लोन नहीं देगी। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही बताऊंगा कि अगर आपको सिबिल स्कोर बनाना है तो कुछ ना कुछ छोटा लोन लेना पड़ेगा। छोटा लोन अगर आपको लेना है तो यही सिर्फ मतलब मैंने तो लिया, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने बजाज से टीवी लिया था, तो मेरा इससे लोन हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हो, लेकिन मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ना कि आपको बोल रहा हूँ कि आप यही करो। क्योंकि दोस्तों, मैंने जब किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, अगर मैं आपको बोल दूँ, अगर आपने कर दिया तो फिर वो मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैंने कहा। तो इसलिए दोस्तों, बस बोलूँगा कि थोड़ी सी मुश्किल होती है लोन लेने में और सिविल जनरेट में होने में। तो अगर आपको भी लोन लेना है तो आपको एक छोटा मोटा लोन लेना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, ताकि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिविल स्कोर के थ्रू फ्रॉड कैसे होते हैं। तो इसके आगे आने वाली वीडियो देखना कि सिविल स्कोर में कैसे फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ कमेंट रह गया होगा या कुछ आपको कुछ समझ बातें नहीं होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा।